हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है एक रेसिपी वीडियो जिसमें हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने वो सब वेजिटेबल्स ले ली हैं। मैंने ली है एक कैरेट, ये है एक जुकीनी, कुछ मटर, आलू एंड प्याज, ये एक प्याज है। ये सब सब्जियों को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और मैंने लिए हैं 2 कप्स ऑफ राइस। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी बेस की कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने ये अराउंड 1 कच्ची ऑयल डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे मैंने अराउंड 30-40 सेकेंड्स गर्म करने होने दिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद आप इसमें डाल दें 3-4 कार्डेमम, ये मैंने छोटी इलायची ली है, और इसे डालने के बाद हमें इसको, जीरे को और इलायची को अराउंड 30-40 सेकेंड्स के लिए भुनने देना है। जैसे ही ये रेड हो जाए तो हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज। Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your place. तो यहाँ पर जब तक प्याज भुनेगा, दूसरी साइड पर हम जो राइस हैं उन्हें 2-3 बार अच्छे साफ पानी से अच्छे से मसल कर धो लेंगे। और उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 स्मॉल साइज़ के आलू। आलूओं को मैंने सबसे पहले इसलिए डाला है बिकॉज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने के लिए। और जो प्याज है हमने यहाँ पे डाला हुआ, वो जब जैसे जैसे हम सब्जियाँ डालेंगे वो प्याज भी साथ साथ में भुनता रहेगा। तो हमें प्याज और आलू को अराउंड 4-5 मिनट्स के लिए भुनना है। जैसे ही जो आलू हैं थोड़े से ट्रांसलूसेंट से दिखने लगेंगे तो हम इसमें अपनी नेक्स्ट सब्जियाँ डालने लगेंगे। तो आलू प्याज भुनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है बारीक कटी हुई गाजर, और गाजर के साथ ही मैंने डाल दिए हैं मटर। मटर और गाजर दोनों ही मैं अभी अराउंड 6-7 मिनट्स के लिए भुनूंगी, और इन्हें भुनने के बाद मैं इन्हें इसे 4-5 मिनट्स के लिए रख देना है। दो तीन मिनट सब्जियां भुनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है सॉल्ट। मैंने अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट डालने से ये सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी पक जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टाइम पर सॉल्ट डाल दिया है, और फिर इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। और जब तक ये सब्जियां पक रही हैं दूसरी साइड पर मैंने एक मिक्सचर बना लिया है जिसके लिए मैंने लिया है अराउंड 2.5 टीस्पून्स ऑफ बिरयानी मसाला। ये मसाला मैंने सब मसालों को मिक्स कर घर पर ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस मसाले में मैंने ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून्स ऑफ कर्ड। कर्ड और ये जो मैंने मसाला बनाया है होममेड बिरयानी मसाला, इसे हम अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे, और इसमें कोई गुठली ना रहे मसाले की, इसलिए आप इसे अच्छे से विस्क कर लें। अच्छे से विस्क करके हमें इसे साइड पर रखना है। इन सब सब्जियों को थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इस पे डाल दी है जुकीनी। जुकीनी मैंने एंड में डाली है बिकॉज़ ये बहुत फास्ट कुक होती है, और इसे डालने के बाद मैं इसे इसी तरह से 2-3 मिनट पकाऊंगी, और उसके बाद किसी एक लीड से इन सब सब्जियों को कवर कर दूंगी, और कवर करके अराउंड 4-5 मिनट्स इन्हें मैं पकने दूँगी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ पर इन सारी मिक्सचर में डालूँगी 1 छोटा चम्मच खड़े मसालों का पाउडर।
ये पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है, जिसमें मैंने डाला है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काले मिर्च और स्टार एनीस। ये सब मसालों को मैंने पीस कर इसका पाउडर बनाकर रख लिया है। तो ये छोटा सा चम्मच मैंने इसमें डाल लिया और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैं इन सब्ज़ियों को ढककर पकने दूंगी अराउंड 4 to 5 मिनट्स। थोड़ी देर इन मिक्सचर को ढककर पकाने के बाद मैंने इसमें डालना है गरम मसाला। मैं डालूंगी इसमें अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर मैंने घर पर ही बनाया है, आप मार्केट बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर अराउंड 1 teaspoon। और इन सब मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इन सब मसालों को डालने के बाद आप यहाँ पर डालें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो या इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर पकने दिया, मसालों को भी पकना ज़रूरी है सब्ज़ियों के साथ, तो मैंने इन सब को अराउंड 2 मिनट्स के लिए और पकने दिया। अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक सब्ज़ियों को भुनने के बाद सब्ज़ियों की जो क्वांटिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो सब्ज़ियां हैं वो पक गई हैं। अदरवाइज़ आप एक स्पून या फोक की मदद से भी सब्ज़ियों को कट कर देख सकते हैं कि वो पकी हैं कि नहीं। हमें सब्ज़ियों को पूरी तरह से नहीं पकाना है, अराउंड 70 to 75% पकाने के बाद इसमें ऐड कर देना है ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था कर्ड और मसाले का, इसमें ये ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिलाकर उसमें हम राइस ऐड कर देंगे। ये सब सब्ज़ियाँ राइस के साथ भी पकेंगी, इसीलिए हम इसे 70 to 75% ही ऐसे भुनकर पकाएंगे। उसके बाद ये अपना इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो राइस के साथ होगा। और इसके साथ मैंने जो धुले हुए राइस रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद हम इसे एक बारी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, बिकॉज जो राइस हैं वो भी बिल्कुल डेलिकेट हो जाते हैं धोकर रखने के बाद, तो हमें वो तोड़ने नहीं हैं। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 कप्स ऑफ राइस लिए थे, तो मैं इसमें अराउंड 4 कप्स ऑफ वाटर ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने जो कर्ड और मसाले का मिक्सचर बनाकर डाला है उससे इस राइस में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, और इसकी फ्रेगनेंस और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसको इस तरह से बनाकर देखें। और उसके बाद मैंने इन राइस में डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक चम्मच लेकर ये जो वाटर है इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें, सो दैट अगर नमक कम ज़्यादा है तो आप इस टाइम पर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर अराउंड 20 to 25 मिनट्स के लिए इसे पकने दें। मैंने बीच में एक बार चेक किया तो राइस का वाटर ठीक था और वो अच्छे से पक रहा था। अराउंड 25 मिनट्स लगे मेरे इन राइस को कुक होने में। उसके बाद मैंने इन्हें खोल कर देखा और देखिए ये कितने कलरफुल और कितने अच्छे बने हैं। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं। आपके पास घर पर जो भी अवेलेबल सब्ज़ियाँ हो आप वो सब सब्ज़ियाँ इनमें डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितने खिले खिले से राइस बने हैं। आप इन्हें कर रायता, अचार, पापड़ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको किसके साथ पुलाव खाना अच्छा लगता है आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। मुझे तो घी डालकर खाना अच्छा लगता है। और इसी के साथ मेरी ये रेसिपी वीडियो होती है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड टिल देन कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।